हेलो वांगची लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगची वुयिंग को एक शॉर्ट ट्रिप पर लेकर आया था, जहां वो लोग मोंटे कार्लो में एक होटल में रुके हुए थे। वहां की रिसेप्शनिस्ट वांगची से कहती है, आप लोग डायमंड प्रेसिडेंशियल सूट में ठहर रहे हैं, जहां पर 5 बेडरूम्स हैं, 4 बाथरूम्स हैं, एक किचन है और सामने ही ओशन का व्यू है। वो वांगची के हाथ में रूम की कीज़ देती है। वांगची उसे कुछ नहीं कहता और वुयिंग को लेकर एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो और वुयिंग रूम शेयर करेंगे। इसके 3 रीजंस थे। सबसे पहले तो वुयिंग अब उसकी प्रॉपर्टी था, उन दोनों को एक दूसरे का जानना ज़रूरी था, इसलिए उनका साथ रहना भी ज़रूरी था, और साथ ही में वुयिंग उसके लिए एक ट्रबल था जिसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो उसे रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है, उसके बालों को फोरहेड से हटाते हुए कहता है, गुड नाइट लिटिल फ्लावर, कल मिलते हैं। अगली सुबह जब वुयिंग की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो एक फैंसी लुकिंग रूम में था और उसने वाइट कलर की चादर ओढ़े हुए थे। वो ब्लैंकेट हटाता है और नोटिस करता है कि उसने अपनी बॉडी पर वांगजी की $1000 वाली जैकेट पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो ईयू कहते हुए निकाल देता है। डेविल यानी कि लंग वांगजी वहीं उसके सामने खड़ा था और वुयिंग को आईसी लुक दे रहा था। वुयिंग ऑकवर्डली अपने लिप्स को बाइट करता है और रूम के सेंटर में खड़ा हो जाता है। वांगजी का फेस हमेशा की तरह बिल्कुल स्टोनिक लग रहा था। वुयिंग को हेजिटेट फील हो रहा था और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वांगजी उससे कहता है, आज फाइनली तुम मेरे लिए यूज़फुल होने वाले हो, ऐसा कहते हुए वो अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करने लगता है। वुयिंग को एकदम से डर लगने लगा था। वो वांगजी से पूछता है, किस लिए? वांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम आज की ट्रेड कॉन्फ्रेंस में मेरी डेट बनकर चलो। वो ट्रेड कॉन्फ्रेंस ड्रग्स के लिए होने वाली है। वुयिंग कहता है, व्हाट, तुम ड्रग्स का काम भी करते हो? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, मैं एक बॉस हूँ, एक माफिया बॉस। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल हाफ वे मीडियोकर लाइफ होगी? मेरे पार्टनर्स जो कि रशिया में हैं, उनके साथ आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ड्रग्स के बदले वो मुझे काफ़ी वेपन्स देंगे जो हमारे माफिया गैंग में काम आने वाले हैं। मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई परवाह है या तुम्हें ये जानना चाहिए। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरे पास खड़े रहना है, ऑल टाइम मुस्कुराते रहना है। ये कॉन्फ्रेंस एक सीरियस कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग होंगे सब ट्रेंड किलर हैं। वुयिंग को अजीब तो लग रहा था पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो खरीदा गया था, वो अब प्रॉपर्टी था, उसे तो अपना कोई फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा था। वो वांगजी से पूछता है, हमें कब जाना है? वांगजी कहता है, हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे। तुम्हारे रूम में क्लोज़ेट में काफ़ी सारे तुम्हें अटायर मिल जाएंगे, उनमें से एक कपड़े चूज़ करो और शाम तक के लिए रेडी हो जाना। वुयिंग कहता है, शाम को जाना है, अभी तो केवल सुबह के 8 बजे हैं, मैं इतने लंबे समय तक क्या करूँगा, 9 घंटे तक मैं क्या करूँ? वांगजी कहता है, आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या करना है और तुम क्या करोगे, मुझे मेरी जैकेट वापस दो। ऐसा कहकर वो अपनी जैकेट उठाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वुयिंग मन में सोच रहा था, ये कितना बड़ा मूडी बास्टर्ड है। वुयिंग जब बाहर निकल कर आता है तो बाहर अभी ही बस सूरज निकला था और मोंटे कार्लो की रिच स्मेल उसे बहुत अच्छी लग रही थी। होटल बीच पर था। वो अब नहाने का सोचता है और अपने बैग में से बाथिंग सूट निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो होटल से बाहर जा पाता, 2 आदमी जो उसके रूम के बाहर खड़े थे उसे दरवाजे पर देखकर कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो लिटिल वन? वुयिंग कहता है, बीच पर, और कहाँ, मुझे बात लेना है। तभी एक आदमी कहता है, तुम जा सकते हो पर तुम्हारे साथ साथ कुछ आदमी भी जाएंगे, बॉस का ऑर्डर है, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। वुयिंग का मन कर रहा था कि वो अभी उन ओवरसाइज्ड लोगों पर पंच मारे, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उन लोगों से कहता है, अगर तुम मुझे फॉलो ही करने वाले हो तो प्लीज़ मुझसे दूरी बनाए रखना। वो लोग उसे फॉलो करते हैं और उस बेचारे को ऐसे ही बीच पर जाना पड़ता है। थोड़ी ही दूरी पर कुछ यंग मैन का एक ग्रुप था जो फुटबॉल खेल रहे थे। वुयिंग को भी मन कर रहा था उन लोगों के साथ खेलने का। वो उनके पास जाता है। उन लोगों में एक अट्रैक्टिव यंग मैन था जो अर्ली 20s में लग रहा था। वो वुयिंग को देखकर उससे पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? वुयिंग कहता है, मैं ज़रूर खेलता पर मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खेलते हैं। तो वो मैन कहता है, ये इतना भी टफ नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस तुम्हें फ़ुटबॉल को होल्ड करना सीखना है, ऐसा कहकर वो उसे होल्ड करना सिखाने लगता है। वुयिंग हाँ में सिर हिला देता है।
वो उन बॉयज़ के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है और उसे एक्चुअली काफ़ी मज़ा आ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि वो डेविल वापस आ गया था और उस डेविल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी प्रॉपर्टी दोस्त बना रही है। दरअसल वांगचू जब अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस लौट आया था तो वो सीधे अपने रूम की तरफ आया था, पर वो वहाँ देखता है कि विंग था ही नहीं। बाहर जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे वो उनसे पूछता है विंग कहाँ है, तो एक बॉडीगार्ड जवाब देता है वो बस अभी ही बाहर गए हैं, उन्हें बीच पर जाना था पर हमने अपने दो आदमियों को उनके पीछे भेज दिया है, अगर आप कहें तो हम अभी उन्हें बोल देते हैं कि वो उसे खींच कर ले आएँ। वांग जी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी सीधा बीच पर चला गया था। पहली चीज़ जो बीच पर जाते ही उसने नोटिस की थी वो विंग की ब्यूटीफुल बॉडी, ऐसी बॉडी जो किसी को भी दीवाना बना सकती थी। विंग ने अपना स्विम सूट पहना हुआ था जो उसकी बॉडी पर एकदम टाइट था, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को रिवील कर रहा था। और सेकंड चीज़ जो वांग जी ने नोटिस की थी वो था उसके आसपास इतने सारे लड़कों का होना, जिस वजह से वो एकदम आग बबूला हो रहा था। विंग को फुटबॉल सिखाने की आड़ में एक लड़का उसे वेस्ट पर टच कर रहा था। वांग जी को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे वहाँ जाता है और विंग का हाथ खींचते हुए कहता है जो तुम्हारा नहीं है उसे टच करने की कोशिश मत करो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो लड़का कहता है काम डाउन डूड, तुम्हें क्या हुआ, हम तो बस उसे फुटबॉल सिखा रहे थे। वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बस अपने पॉकेट से ट्रिगर निकालने ही वाला था। विंग जैसे ये नोटिस करता है वो उससे कहता है वांग जी क्या हम प्लीज़ होटल रूम वापस जा सकते हैं। विंग उसे एकदम रिक्वेस्ट करने लगा था जिस वजह से वांग जी अपना हाथ पॉकेट से हटा लेता है। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने सीधे उस बंदे को जान से मार क्यों नहीं दिया, वो भी तब जब उसने विंग को टच किया, विंग सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है। विंग एक बार फिर उससे कहता है वांग जी प्लीज़ होटल रूम चलो। विंग अब उसका हाथ खुद पकड़ते हुए उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। जैसे ही वो लोग होटल रूम तक आते हैं वांग जी विंग का हाथ झटक देता है और अपना सिर हाथों से पकड़ लेता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो अपना हाथ ज़ोर से दीवार पर मारने ही वाला होता है पर तभी विंग उसे आवाज़ लगाता है वांग जी ये क्या कर रहे हो। विंग की इनोसेंट आइज़ उसकी रूबी लिप्स एक बार फिर वांग जी को दीवाना बना रहे थे। वांग जी अब ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है व्हाट द हेल, ये मुझे हो क्या रहा है। विंग सीधा उठकर आता है और उसे गले से लगा लेता है। विंग को भी पता था कि वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे हग करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। वांग जी भी इस स्मॉल पीसफुल मोमेंट को एंजॉय करने लगता है और उसका सारा गुस्सा टूट जाता है। हग करने के बाद वांग जी उससे कहता है तुम शावर ले लो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, मैं अपने सर्वेंट्स को भेजता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वांग जी के जाने के बाद विंग बैठकर सोचने लगता है आज मैंने पहली बार उसका वो पार्ट देखा जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो, उसका वो हिस्सा जो मुझे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर है, एक सॉफ्ट स्वीट और केयरिंग पार्ट। आज वो रूथलेस क्रूल माफिया बॉस नहीं था, वो बस कम्प्लीटली ब्रोकन दिख रहा था जिस वजह से वो मुझे और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। कुछ टाइम बाद उसके रूम में दो लड़के आते हैं जो उसे नाइट इवेंट के लिए रेडी करने के लिए आए थे। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि उसे क्या पहनना है, उसे एक ब्लैक सूट पहनना था रेड टाई के साथ। रेडी होने के बाद जैसे ही वो रूम से बाहर आता है वांग जी वही खड़ा था और एक बार फिर उसकी तरफ ही देख रहा था। धीरे धीरे वो उसके पास आता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लेता है। वो उससे कहता है तुम अच्छे दिख रहे हो विंग। पहली बार वांग जी ने उसकी तारीफ की थी, विंग इस बात पर मुस्कुरा देता है और अब वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। बाहर उनके लिए एक लग्जूरियस लीमो खड़ी हुई थी, दोनों पीछे की तरफ कम्प्लीटली साइलेंस में बैठे थे। अभी भी वांग जी की नज़र सिर्फ विंग पर ही बनी हुई थी, उसके लिए अब ये सब कुछ काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा था। वो नर्वस फील कर रहा था, साथ में काफ़ी डरा हुआ भी था। आखिरकार वांग जी उससे कहता है विंग, विंग पूछता है क्या। वांग जी की आँखें पहली बार एकदम सॉफ्ट हो गई थी, वो एकदम सीरियस दिख रही थी। वो एक गहरी सांस लेता है और विंग से कहता है तुम ब्यूटीफुल हो। ये सुनते ही तो जैसे विंग का दिमाग कहीं और ही चला गया था, उसके दिमाग में शब्द ही नहीं आ रहे थे कि वो वांग जी का किस तरह जवाब दे। पहली बार उस डेविल ने विंग को ब्यूटीफुल कहा था। विंग उससे कहता है
थैंक यू। वांग जी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी उससे कहता है, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, किसी और के साथ डांस नहीं करोगे, किसी के साथ फालतू की बातें नहीं करोगे, सिर्फ तभी किसी से बात करोगे जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। और हाँ, प्लीज़ ड्रिंक मत करना, मैं नहीं चाहता कि मुझे एक ड्रंक वेइंग को घर लेकर आना पड़े। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पर सब लोग किलर्स हैं, तो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो प्लीज़ किसी को भी अनॉय मत करना। वेइंग कहता है, वेट अ मिनट, क्या तुमने कहा कि मैं डांसिंग ना करूँ? पर तुमने तो कहा था कि ये ट्रेड कॉन्फ्रेंस है, फिर यहाँ डांस क्यों होगा? वांग जी कहता है, वेल, तुम इसे ट्रेड कॉन्फ्रेंस की जगह एक ट्रेड बॉल ही समझो, जहाँ बॉल डांसिंग होती है। वेइंग कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग जी कहता है, डोंट वरी, तुम्हारा मार्क देखकर सबको पता चल जाएगा कि तुम किस माफिया गैंग से हो, उसके बाद लोग तुमसे डरेंगे। तो इस टैटू का तुम्हें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, और तुम इस टैटू में काफ़ी सेक्सी भी लग रहे हो। ये सुनने के बाद एक बार फिर वेइंग का मुंह खुला का खुला रह गया था। दूसरी बार वांग जी ने उसकी तारीफ की थी। कार रुक जाती है, वांग जी कार से बाहर निकलता है और वेइंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वेइंग बाहर आता है, जो घर उसके सामने था वो उस घर को देखता रह गया था। वो घर काफ़ी बड़ा था, जिसमें बालकनी थी, हर जगह बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे, आसपास लोगों ने फॉर्मल अटायर पहना हुआ था। वांग जी एक बार फिर वेइंग की कमर पर अपना हाथ रख लेता है और वो लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अंदर पहुंचने के बाद वेइंग देखता है कि एक यंग मैन उन लोगों की तरफ आ रहा था। उसकी एज वांग जी के बराबर ही लग रही थी, यानी कि वो भी अपने मिड ट्वेंटीज़ में था। वो वांग जी के पास आकर कहता है, फाइनली तुम एक डेट के साथ तो आए, वरना तुम हमेशा अकेले ही आते हो। वांग जी उसे वेइंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, विभिषण, ये वेंचाओ है। वेंचाओ कहता है, इतना फॉर्मल तरीके से क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो लांग वांग जी? जब हम बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं तो क्यों ना अब हम फ्रेंड्स बन जाएं? वांग जी कहता है, आजकल लोग केयरलेसली फ्रेंडशिप वर्ड का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, पर ये वर्ड काफ़ी हैवी होता है, डोंट यू थिंक सो? वेंचाओ कहता है, ये बात सच है, लेकिन ये एक बॉल है, ये बेस्ट टाइम होता है फ्रेंड्स बनाने का। ऐसा कहते वक्त वेंचाओ की नज़र बार बार वेइंग की तरफ जा रही थी। वेइंग को इतना अजीब लग रहा था क्योंकि शक्ल से ही उसे वेंचाओ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वेंचाओ वांग जी से कहता है, क्या तुम मुझे अपनी डेट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? इसका नाम क्या है? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, इसका नाम विभूषण है और ये मेरा डेट है। वेंचाओ कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई विभूषण। और वो वांग जी से कहता है, ये सच में एक ट्रॉफी की तरह है। वेइंग को ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था, पहले उसे खरीदा गया और अब उसे एक ट्रॉफी समझा जा रहा है। लेकिन अब जो वेंचाओ कहने वाला था उस पर तो वेइंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वेंचाओ वांग जी से पूछता है, तुमने इसके कितने पैसे दिए? इस पर वांग जी कहता है, उसे खरीदा नहीं गया है। वेइंग को एक सेकंड के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वेंचाओ कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ लांग वांग जी। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यहाँ लाया गया है, इसका मतलब तुमने उसे खरीदा है। वांग जी कहता है, वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है, मुझे बोला गया था कि मुझे यहाँ पर एक पार्टनर को लेकर आना है जिससे मैं एक लीडरशिप की स्टेबिलिटी को बनाए रखूँ, और यही मेरा पार्टनर है। वेंचाओ अब उससे कहता है, कम ऑन लांग वांग जी, मुझे पता है कि तुमने इसे खरीदा है, प्लीज़ मुझे बताओ कितने में खरीदा, मैं डबल दूंगा, मुझे न्यू टॉयस बहुत पसंद है। वो वेइंग की तरफ ऐसे विंक करता है जैसे वो कोई सड़क झाप कुत्ता हो, और अब वेइंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, वो सेल के लिए नहीं है, वो मेरी डेट है। बिसाइड्स, तुम कभी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी कसकर वेइंग की वेस्ट को पकड़ लेता है, जैसे वो उसे एकदम प्रोटेक्ट कर रहा हो। और वेइंग एक बार फिर सोच रहा था, उसने मुझे डिफेंड किया? आसपास के कुछ लोग जिन्होंने उनकी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी वो भी उन लोगों की तरफ ही देख रहे थे। वेंचाओ मुंह बनाता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और वांग जी वेइंग की तरफ ही देख रहा था। वेइंग अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल करे। वांग जी ने जिस तरह आज उसे डिफेंड किया वो वांग जी को ही नहीं समझ पा रहा था। वांग जी उससे कहता है, वेइंग, क्या तुम ठीक हो?
वींग वांग जी की पावरफुल आइज में देखता है और सडनली वींग को ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस न ले पा रहा हो। काफ़ी सारी बातें वो इस वक्त वांग जी से पूछना चाहता था पर वो नहीं पूछ पा रहा था, इसलिए वो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। अचानक से उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे खुद नहीं पता चला। वांग जी एकदम से घबरा जाता है और इस बार एक हार्ड टोन में कहता है, विभूषण तुम ठीक हो ना? वींग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स मुझे डिफेंड करने के लिए। वांग जी कहता है, वो मुझे करना ही था क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। तुम चिंता मत करो, अब वो नहीं आएगा। वो वींग का हाथ पकड़ता है और उस क्राउड के बीचों बीच से लेकर जाता है जहाँ वो सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे और उनकी आंखों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। वो लोग एक वेटर के पास आते हैं जिसके पास एक ट्रे थी जिसमें काफ़ी सारे ग्लासेस रखे थे जिनमें शैम्पेन थी। वांग जी वींग को एक वार्निंग लुक देते हुए कहता है, विभूषण प्लीज़ ड्रंक मत हो जाना, मैं तुमसे डील नहीं कर पाऊँगा। वींग फिर से एक स्मॉल स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देता है। अब वांग जी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वींग नर्वसली कहता है, मुझे डांस करना नहीं आता। वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं आता होगा पर मैं एक फैंटास्टिक डांसर हूँ। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ ले जा ही रहा होता है। वींग एक बार फिर उससे कहता है, लंजा मैं सच में डांस नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, बस वही करो जैसा मैं कहता हूँ। म्यूज़िक शुरू हो जाता है। वांग जी वींग के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेता है और धीरे धीरे उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वींग भी म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा था। वो सॉफ्टली अपनी आंखें बंद करता है और वांग जी के वार्म हैंड्स को अपनी वेस्ट के अराउंड फील करने लगता है। वांग जी ने उसे अपनी इम्पॉसिबली क्लोज कर लिया था। वींग के आर्म्स सिक्योरली वांग जी के नेक के अराउंड रैप्ड थी और वांग जी के हाथ वींग की बॉडी पर थे। काफ़ी घंटों तक वो दोनों इसी तरह थे। दोनों की बॉडी आपस में टाइटली प्रेस्ड थी। जैसे ही सॉन्ग फिनिश हो जाता है, वींग इधर उधर देखने लगता है तो काफ़ी सारे लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वींग सॉफ्टली वांग जी के कान में कहता है, तंजा सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। वांग जी भी उसके हाथ को सॉफ्टली स्क्वीज़ करते हुए कहता है, सच में मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। तभी वो वींग से कहता है, वींग मुझे ज़रा कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ। वांग जी के वहाँ से जाने के बाद वींग को काफ़ी अकेला अकेला फील हो रहा था। तभी कुछ टाइम बाद लैन चिचैन की रफ वॉइस उसे सुनाई देती है। चिचैन उसके पास आकर खड़ा होकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? चिचैन ने डार्क ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था और वो वींग के पास ही चला रहा था। वींग उससे कहता है, लांग वांग जी बस अभी आता होगा। लैन चिचैन एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में? वो उसे दूसरी तरफ इशारा करवाता है जहाँ वांग जी एक लड़की से बात कर रहा था। चिचैन वींग को बताता है, वो लड़की वांग लिंगजाओ है, तुमसे पहले वो वांग जी की पार्टनर रह चुकी है, काफ़ी प्रिटी है ना? वांग जी को उस लड़की से बात करता हुआ देखकर वींग को अचानक बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और वो ऑकवर्डली कहता है, हाँ वो प्रिटी है। वो अपने हाथ में शैम्पेन का ग्लास ले लेता है, ये जानने के बाद भी कि वांग जी ने उससे मना किया था। चिचैन उससे कहता है, तुम अच्छे दिख रहे हो विभूषण, ये रेड टाई तुम्हें काफ़ी सूट कर रही है। वैसे तुम और वांग जी एक दूसरे के साथ कितनी बार सो चुके हो, 10 बार या 20 बार? वींग कहता है, 0, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सोए। चिचैन अपनी डार्क ब्रोज को ऊपर करते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वांग जी ने तुम्हें अभी तक टच भी नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए उसने इतना खर्चा किया हो और अभी तक तुम्हारे साथ खेला भी ना हो? वींग कहता है, चिचैन मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ तो प्लीज़ मुझसे इस तरह बात मत करो। चिचैन कहता है, पर तुम प्रॉपर्टी हो विभूषण, क्या तुम भूल गए तुम्हें खरीदा गया है? वींग को बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। एक तो वांग जी उसे अकेला छोड़कर चला गया था, वो भी उस लड़की से बात करने के लिए जो पहले उसकी पार्टनर रह चुकी थी। अचानक से वींग को रियलाइज़ हो रहा था कि वांग जी सिर्फ उसे खरीद कर लाया है, वो वांग जी की बस एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं। चिचैन भी उसे ऐसा ही फील करा रहा था। चिचैन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? वींग वो शैम्पेन का ग्लास जो उसके हाथ में था पूरा का पूरा पी जाता है और सीधे चिचैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। डांस करते वक्त वींग की आंखों में दर्द लैन चिचैन को साफ नज़र आ रहा था, जब जब भी वींग वांग जी की तरफ देख रहा था।
शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, वो माफिया बॉस है विभूषण, वो किसी से प्यार नहीं करता। याद रखो कि उसने तुम्हें खरीदा है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। लेट्स सी आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। अब तक की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।